हाँ जी बेटे देखो क्वेश्चन नंबर 15 है ना ये। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सोलेनोइड के बारे में जानकारी मांग रहे हैं कि एक ऐसा सोलेनोइड चाहिए हमें जो 10 सेंटीमीटर लेंथ के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 100 गॉस दे। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे, 100 गॉस। गॉस क्या है, इसका सीजीएस यूनिट है 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं बेटे, 10 रेज टू पावर 4 गॉस होते हैं। 1 टेस्ला में 10 रेज टू पावर बेटा माइनस नहीं प्लस, बुक में उल्टा दे रखा है, 1 गॉस में 10 रेज टू पावर माइनस 4 टेस्ला दे रखा है। ठीक है, टेस्ला हमारा ऐसा यूनिट है, गॉस हमारे पास सीजीएस यूनिट है। आपको मैग्नेटिक फील्ड इतना चाहिए, लेंथ चाहिए 10 सेंटीमीटर, एरिया चाहिए 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, करंट आपको चाहिए 15 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 टर्न्स पर मीटर चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होगी, 100 टर्न्स। 10 सेंटीमीटर कितने टर्न्स हो गई, 100 टर्न्स। लेकिन हमें इसको कैलकुलेट अभी करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इतना हो तो एक सोलेनोइड का अप्रोप्रिएट डिजाइन बताएं, एक मतलब कि कैसा हम सोलेनोइड बनाएं। तो देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। हमारे पास एरिया कितना दे रखा है, 0.001 मीटर स्क्वायर, 0.001 मीटर स्क्वायर। एरिया के कंपैरिजन में लेंथ जो है वो ऑलरेडी हाई है, ऑलरेडी क्या है, हाई है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए ये कह रही है कि n जो है वो 1000 टर्न्स पर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 टर्न्स पर मीटर से, क्योंकि इससे ज्यादा होने से इसका जो जो डिजाइन है वो पर्टिकुलर नहीं है, या एक ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जहाँ हम इसे यूज़ करना चाहते हो वहाँ हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टर्न्स आप बढ़ाएंगे तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। करंट जो है वो 15 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो करंट कैपेसिटी है वो ही 15 एम्पियर है, वही क्या है, 15 एम्पियर है, यानी 15 एम्पियर से ज़्यादा करंट होने पर वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या ख़राब हो सकता है या बर्न हो सकता है। अंडरस्टूड और नॉट, तो कुछ सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं, इस क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर आंसर पॉसिबल नहीं होता है, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम कैसा एक सोलेनोइड बना सकते हैं। इसके कई पॉसिबल आंसर होते हैं, जैसे कि करंट मैक्सिमम 15 एम्पियर होना चाहिए, हम सेफ्टी के लिए इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, सेफ्टी के लिए इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें से सेफ्टी फैक्टर 10 का मान के चलता हूँ, सेफ्टी फैक्टर कितने का मान के चलता हूँ, 10 का, इसका मतलब 10% इसके अंदर से और हम रिड्यूस कर दें तो 13.5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट नहीं होना चाहिए। और सेफ्टी पर्पस के लिए हमने करंट कितना ले लिया, 13.5 एम्पियर। ठीक है, फाइन। अब अगर हम ये आई की वैल्यू लेते हैं तो बेटा सी की बी कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दे ही रखा है 10 रेज टू पावर माइनस 2, म्यू नॉट कितना बेटे 4π × 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें 13.5 एम्पीयर करंट के लिए तो क्या आ जाएंगे पर यूनिट, ये जो है ना ये हमारा 1000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, एन किससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 1000 से ज़्यादा। अगर ये 1000 या 1000 से ज़्यादा आता है तो फिर हमें इसको रिड्यूस करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो लेट अस सी ये कितना आता है, एन बराबर 10⁻²⁺ डिवाइडेड बाय 4π × 10⁻⁷। ये उठा के नीचे ले, ये भी नीचे ले जाना पड़ेगा 13.5, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा ये क्या आ गया, ये 10⁻⁷ जो है वो यहाँ से हटा कर हम ऊपर ले जाएँ, क्या करें 10⁻⁵, 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 4 × 22/7, ये कितना आ गया 3.14, और 13.5 को हम 135/10 लिख दें, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। ठीक है जी, अब इसे चेक करते हैं कि क्या आता है। अगर हम इसे 5 से कैंसिल करना चाहें तो ये 2 और 7, ठीक है जी, ये कितने पर 2 पर, ये कितने पर 2 पर, ये कितना है 1 लाख, इसको 2 से कैंसिल करेंगे ये क्या आ जाएगा 50,000, क्या आ जाएगा बेटा 50,000, कोई दिक्कत। अब 50,000 को
अगर मैं 3.14 से डिवाइड करूं, एक बार के लिए चलो इसे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितने से डिवाइड कर देते हैं, 3 से, लगभग 16000 के आसपास आ जाएगा। हम रफ आइडिया ले रहे हैं, 16000 समथिंग कुछ आएगा, तो हम इसे 16000 मान लेते हैं। 16000 को अगर हम 27 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, 27 से, तो क्या आएगा बेटा बोलो। सबसे पहले कितने पर जाना चाहिए, इधर 4 पर जाने के बाद ये हमारा बन जाएगा कितना, 108, 108 हो जाएगा ना, और 5 पर लेकर चलते हैं इसे, 6 पर नहीं जाएगा ये, चला जाएगा हमारा कितना 5। तो 5 आने का मतलब है कि ये 500 प्लस कुछ इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 500 प्लस। आप मेरी बात समझे क्या नहीं समझे, ये 5 पर गया, 160 से कुछ कम बच गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 500 प्लस ही इसका कुछ आंसर आया था, जितना भी आई 540 550 कितना भी, और हमारे पास टर्म्स कितने से कम होनी चाहिए थी, 1000 से, ये 1000 से कम है, इसका मतलब हम जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो सब ठीक है, इट्स ओके। अगर आप यहाँ 15 एम्पियर भी लेकर चलते तब भी ये 500 के आसपास आती, तब भी ये 500 के आसपास है आती। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, एनी डाउट टू एनीबॉडी, ठीक है जी। हम चाहें तो इसकी कुछ लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम तो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, हम तो हमने पता किया है एन, क्या पता किया है एन, और एन क्या है बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होने चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप लेंथ कितनी भी लें उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल टर्न्स आ जाएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसका कोई भी और पॉसिबल आंसर भी हो सकता है, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसे 15 एम्पियर लेकर करे, इज दैट क्लियर टू यू ऑल, हो सकता है कि वो नंबर ऑफ टर्न्स जो एन है, ये तो चलो हमारा 1000 का क्राइटेरिया है, तो हमारे पास 1000 से कम ही आना चाहिए, ओके फाइन। ये भी पॉसिबल है कि हम ये मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, तो इसमें भी एल्टीट्यूड की वेरिएशन अगर पॉसिबल हो तो आंसर हमारा चेंज हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 था क्या, 16, हाँ जी 16 का बी पार्ट, पर बी करने के लिए क्वेश्चन तो अपना पढ़ना पड़ेगा ना। फॉर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड एन टर्न्स कैरिंग ए करंट आई, द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर ऐसी दो कॉइल हो जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, दो कॉइल हो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कि एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है आर और इसका रेडियस भी है आर, अब ये कह रहे हैं कि मिड पॉइंट के नजदीक में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग इतना होगा, जितना भी ये प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है एक्सिस को ज्वाइन करने वाला, ये कितनी दूरी पर होगा बेटे, आर बाई टू डिस्टेंस पर होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा, आर बाई टू डिस्टेंस पर होगा। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं किसी भी एक पॉइंट की तरफ जो इससे हल्का सा एक साइड में है, एग्जैक्टली मिडल पॉइंट पर नहीं है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना बचा है और ये डिस्टेंस कितना बचा, हमारे पास एक डिस्टेंस है r माइनस x, x बहुत स्मॉल है, जस्ट हम कैलकुलेशन के लिए इसे x ले रहे हैं, इट इज वेरी स्मॉल, डेल्टा x कह सकते हैं, dx कह सकते हैं, पर एक बार के लिए हम इसे x ले रहे हैं, ठीक है, या कुछ और है, चलो हम इस डिस्टेंस को और dx ले लेते हैं x का, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, r प्लस dx, क्योंकि यहां तक हमारे पास r r by 2, तो ये कितना हो गया r by 2 minus dx, ये कितना हो गया r by 2 plus dx, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक्सिस पर, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, इज दैट क्लियर टू यू ऑल, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो कॉइल है इस प्रकार है, लाइक दिस, अंडरस्टूड और नॉट, अगर ये इस प्रकार है तो अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है,
this is the direction of magnetic field. Understood or not? ठीक है. अब यहाँ पर जो magnetic field है इस first वाली coil की वजह से वो इधर है. ठीक है बेटे. और second वाली coil की वजह से किधर होगा? Like this. वो भी इधर ही होगा. इस प्रकार से magnetic field इसको surround करेगा. तो दोनों magnetic field यहाँ पर add up हो जाएंगे. दोनों magnetic field क्या हो जाएंगे? तो पहली की वजह से magnetic field कितना होगा? B1. B1 बराबर होगा बेटे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस x की जगह कितना है बेटे r बाई 2 माइनस डी एक्स. आर बाई 2 माइनस डी एक्स का स्क्वायर और पावर 3 बाई 2. इज दैट क्लियर? हाँ जी. B2 कितना है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर प्लस r बाय 2 प्लस dx स्क्वायर मोर पावर 3 बाय 2. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ओके. अब लास्ट में इन्होंने एक बात बोली है. शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल्स इज यूनिफॉर्म ओवर ए डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू r. ये कह रहे हैं कि ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म है अगर ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये डिस्टेंस r के कंपैरिजन में स्मॉल हो. ये डिस्टेंस r के कंपैरिजन में स्मॉल हो. इफ dx इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू r देन dx स्क्वायर विल बी मच स्क्वायर स्मॉलर देन r स्क्वायर. हां या ना बोलो बेटे? तो हम क्या कर सकते हैं यहां से जो dx है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं. इस dx को क्या कर सकते हैं? तो b1 कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 4. क्या आ जाएगा ये? 5r स्क्वायर बाय 4 पावर. कोई दिक्कत? b2 कितना आ जाएगा? सेम म्यू नॉट i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पावर. कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? दोनों को ऐड कर दीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? b नेट कितना हो जाएगा बेटे? दोनों को सम कर देंगे तो दोगुना हो गया. 2 टाइम्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 5 आर स्क्वायर बाय 4 पावर 2 से 2 कैंसिल. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. देखिए ये आ गया बेटे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 कितना होता है बेटे? r क्यूब. 5 की पावर 3 बाय 2 5 की पावर पहले 5 की पावर 3 करो कितना आ जाएगा? 125. कितना आ जाएगा? 125. तो 125 का रूट हो गया. हाँ या ना बोलो? 4 की पावर 3 करो 64. 64 का रूट हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा. हाँ या ना? ठीक है. तो ये आपके पास कितना आ गया बेटे? ये तो आ गया 8. दो पावर से दो पावर कैंसिल. 8 इंटू म्यू आई डिवाइडेड बाय रूट 125 ये आ जाएगा आपका 5 root 5. क्या आ जाएगा? 5 root 5 आर. इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है जी. तो ये 5 root 5 कितना आ जाएगा? 2 point something को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और 11 के बीच में कहीं आ जाएगा. अगर 8 को हम 10 से भाग करते हैं तो 0.8 आता है. 8 को अगर हम 10 से भाग करते हैं तो 0.8 आता है. लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ये 10 से हमारा बड़ा है, 10 से 11 के बीच में, तो इसका मतलब आंसर छोटा आएगा तो 0.72 आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा? 72 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आर. यही आंसर चाहिए था हमें, यही प्रूफ करना था. ये वन टर्न के लिए, एन टर्न्स की बात करेंगे तो एन ही आ जाएगा. हमें जो प्रूफ करना है उसमें एन भी है. तो हमने किसके लिए लिया है? वन टर्न्स के लिए हमारा रिजल्ट है. अगर इस कॉइल में एन टर्न हो गए तो मल्टीप्लाइड बाय. कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है बेटा. ऐसी जो कॉइल्स हैं इन्हें हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं. ऐसी कॉइल्स को क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया, बस वही लॉ अप्लाई किया है.